हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और इस केस का नाम है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, कई बार इस केस के प्रिंसिपल्स को आपने अलग अलग बुक्स में देखा होगा, लेकिन इस केस के फैक्ट्स क्या थे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स निकल के आए थे इस केस में, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। तो आई थॉट कि आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ये जो केस हुआ था, जिस केस में रुस्तम कावस जी कूपर उनका फुल नाम था आरसी कूपर का, जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल की थी इन द ईयर ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था और वो साल था 1969। बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा कि गवर्नमेंट ने बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया था। बैंक नेशनलाइजेशन की मैं बात करने से पहले उसका रीजन आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया क्यों था। देखिए, 1969 से पहले ना 1955 में जब SBI एक्ट आया था, तब गवर्नमेंट ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एक्वायर कर लिया था और बाद में उसकी सब्सिडरीज को भी SBI में मर्ज कर दिया गया था। कुछ 7 सब्सिडरीज थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, जिनको SBI में मर्ज कर दिया गया था। और इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन था आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में लिखा गया है, जिसमें DPSP के बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। तो गवर्नमेंट की कोशिश तब ये थी कि बैंकिंग फैसिलिटी जो है ना, वो किसी तरीके से पूरे इंडिया में स्प्रेड हो। इंडिया के फ्रीडम के बाद में, जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद बैंकिंग फैसिलिटीज हर जगह अवेलेबल नहीं थी, तो बैंकिंग फैसिलिटी को इंडिया के एक एक एरिया में पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए थे। और उन रिफॉर्मेटिव स्टेप्स में से एक बहुत बड़ा स्टेप था नेशनलाइजेशन, जिसमें कि गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ऑयल रिफाइनरीज को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था। और 1969 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या था, गवर्नमेंट का लॉजिक क्या था, गवर्नमेंट का लॉजिक या आर्ग्यूमेंट ये था कि किसी भी तरीके से बैंक्स को अपने कंट्रोल में लेकर बैंकिंग फैसिलिटी को इंडिया के हर कोने तक पहुंचाना। और इसी पर्पस के साथ गवर्नमेंट ने 1969 में, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तब बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लेकर आई थी। और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू गवर्नमेंट ने 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था। इन 14 बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा भी था। तो 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया और इन 14 बैंक्स को चूज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स। तो जिन बैंक्स का डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा था, उन बैंक्स को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था। उन्हीं बैंक्स में से 2 बैंक्स थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके की शेयर होल्डर थे आरसी कूपर। और उन्होंने ही फिर एक पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने ही इसके अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। अब जरा ये जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जब ये ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, जब गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस किया था, उसके 2 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन था। 2 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन और गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पे भरोसा किया। ऑर्डिनेंस के बारे में शायद आप पहले से जानते हैं, ऑर्डिनेंस के बारे में लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता और जब गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर लॉ को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, तब गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को बोलकर और अंडर आर्टिकल 123 किसी लॉ को इंट्रोड्यूस कर सकती है। NDA गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया है, मोदी गवर्नमेंट ने कई बार ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किए थे पिछले कुछ दिनों में। नाउ, लेकिन आप ऑर्डिनेंस के यहां पे टाइमिंग देखिए, पार्लियामेंट के सेशन के 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस कर रही है। क्या गवर्नमेंट 2 दिन वेट नहीं कर सकती थी? यही बात आरसी कूपर ने अपनी पिटीशन में कही थी कि गवर्नमेंट को इतनी क्या जल्दी थी कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट का सेशन ओपन होने से पहले, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने से पहले ही उस ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया। तब इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे
ऑनरेबल एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला तब इंडिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। एम हिदायतुल्ला के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एम हिदायतुल्ला इंडिया के चीफ जस्टिस भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी रहे थे एक महीने के लिए, तब वो इंडिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। वो जुलाई से लेकर अगस्त तक इंडिया के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ही इस ऑर्डिनेंस पे साइन किए थे। एनीवेज, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, आगे चलते हैं। तो आरसी कूपर ने, जो कि एक शेयर होल्डर थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इन्होंने अगर पिटीशन फाइल की होगी तो वो पिटीशन किस में फाइल की होगी? अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें 5 तरह की रिट्स हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आरसी कूपर जी ने जब अपनी रिट पिटीशन फाइल की थी तो वो रिट पिटीशन कौन सी थी? आउट ऑफ फाइव रिट पिटीशंस कौन सी रिट पिटीशन उन्होंने फाइल की थी? ये मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। एनीवेज, इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, पिटिशनर कौन था ये आपको पता है, एंड रिस्पोंडेंट कौन थी? यूनियन ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आरसी कूपर जी आ गए थे, उन्होंने पिटीशन फाइल करी और उसके बाद कोर्ट के सामने कुछ 5 क्वेश्चंस आए, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कोर्ट के सामने थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि क्या कोई शेयर होल्डर कंपनी के बिहाफ पे पिटीशन फाइल कर सकता है? आरसी कूपर जी ने तो यह कहा कि कंपनी को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते, ये आप जानते हो, कंपनी को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है इससे उनके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है। तो क्योंकि इस ऑर्डिनेंस से एक शेयर होल्डर के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है, इसलिए वो ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं। तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे। गवर्नमेंट जो इस केस में रिस्पोंडेंट थी, गवर्नमेंट ने यह कहा कि कंपनी इज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन और कंपनी को आर्टिकल 19, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन है, कंपनी को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है और ना ही इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई कंपनी भी फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकती है। तो कंपनी फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं कर सकती और आरसी कूपर इस केस में कंपनी के फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर रहे हैं। आरसी कूपर ने यह कहा कि मैं कंपनी के फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं कर रहा हूं और कंपनी को तो फंडामेंटल राइट्स मिलते ही नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि आप जानते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस केस में अपने फंडामेंटल राइट क्लेम कर रहा हूं। उन्होंने कहा मेरे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है। जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस केस में इस पॉइंट को लेकर यह जजमेंट दिया कि कोई भी डायरेक्टर और कोई भी शेयर होल्डर, या तो डायरेक्टर हो या शेयर होल्डर हो, कोई भी कंपनी के बिहाफ पे फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता। कोई भी शेयर होल्डर या डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे आर्टिकल 32 या 226 में पिटीशन फाइल नहीं कर सकता कि कंपनी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के बिहाफ पे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेशन करने का पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। दूसरा जो क्वेश्चन था इस केस में कि वो जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने बनाया था, क्या वो ऑर्डिनेंस प्रॉपर था? इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कई पॉइंट्स रखे सामने। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस बनाया है, यहां गवर्नमेंट के पास ऑर्डिनेंस बनाने की सब्जेक्टिव पावर है, तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस कर सकती है। टाइमिंग जरूर थोड़ा सा डाउट क्रिएट करने वाली थी, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो पावर है ऑर्डिनेंस बनाने की, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये आया कि इस एक्ट ने आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का एंड आर्टिकल 31 का वॉयलेशन किया है। अब आप पूछोगे कि सर, इस एक्ट ने आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 13 एंड इवन आर्टिकल 13 का भी, 13 का भी वॉयलेशन किया है। कैसे वॉयलेशन किया है, ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे।
इन सारी बातों पे आने से पहले मैं आपको इस ऑर्डिनेंस के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस ऑर्डिनेंस में एक प्रोविजन ये था इसके शेड्यूल टू में, ऑर्डिनेंस कौन सा, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969। इसके सेकंड शेड्यूल में ये प्रोविजन था कि जब गवर्नमेंट किसी बैंक को एक्वायर कर लेगी ना, तो उसके बाद कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एक एग्रीमेंट के थ्रू। अगर वो एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट फेल होता है, तो सच मैटर शैल बी रेफर्ड टू ए ट्राइब्यूनल। तब वो मैटर एक ट्राइब्यूनल को रेफर किया जाएगा और ट्राइब्यूनल के जजमेंट आने के बाद, जजमेंट आ गया है लेकिन पैसा कब मिलेगा, पैसा मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद पैसा मिलेगा। और 10 साल कहां से काउंट करेंगे, 10 साल वहां से काउंट करेंगे डेट ऑफ एग्रीमेंट फेल्ड। जिस डेट पे एग्रीमेंट फेल हुआ उसके 10 साल बाद कॉम्पनसेशन मिलेगा। जरा सोच के देखिए, गवर्नमेंट बैंक को एक्वायर भी कर रही है और जब बात आई कॉम्पनसेशन देने की तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, पैसा मिलेगा 10 साल बाद। 10 साल से पहले कॉम्पनसेशन मिलने का कोई चांस नहीं है। और यही जो पॉइंट था, ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट था जो इसका शेड्यूल टू था, और इसको भी आरसी कूपर ने अपनी पिटिशन में चैलेंज किया था। अब आप जानना चाहेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जो 10 साल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरी तरीके से इलॉजिकल है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो गवर्नमेंट ने जो ये शेड्यूल टू में जो कॉम्पनसेशन का तरीका अपनाया है वो पूरी तरीके से गलत है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट क्या, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 13(1) का या आर्टिकल 13 का वॉयलेशन करता है या नहीं करता। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो एक्ट है ये किसी भी तरीके से किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं कर रहा। लेकिन जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। गवर्नमेंट ने पहले भी मोनोपोली क्रिएट की है। गवर्नमेंट एब्सोल्यूट या पार्शल मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, तो गवर्नमेंट के पास में ये राइट है। गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर किसी भी तरह की मोनोपोली क्रिएट करती है तो वो पूरी तरीके से वैलिड कंसीडर की जाएगी। इज दैट क्लियर। लेकिन आर्टिकल 31 की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31 का वॉयलेशन किया है। आर्टिकल 31 का वॉयलेशन गवर्नमेंट ने किस तरीके से किया, जो कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था वो क्लियरली आर्टिकल 31 को वॉयलेट कर रहा है। इसी वजह से इसके बाद गवर्नमेंट ने इस केस के जजमेंट के बाद 25th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1971, जिसमें गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31 जो कि अब एक फंडामेंटल राइट ही नहीं है। आर्टिकल 31 किस बारे में है, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में है। तो इसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और इसकी लैंग्वेज को गवर्नमेंट ने बाद में चेंज किया। तो 1971 में जो 25th अमेंडमेंट आया था वो इसी केस की वजह से आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी कि हाँ, गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31 का वॉयलेशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि गवर्नमेंट ने आर्टिकल 14 का वॉयलेशन किया है, राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन गवर्नमेंट ने यहां किया है। वो कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया और बाकी बैंक्स को काम करना गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स। तो गवर्नमेंट ने जो एक्विजिशन किया उसमें सिर्फ ये 14 बैंक्स ही क्यों आएंगे, बाकी के जो बैंक्स हैं वो कहाँ जाएंगे। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ आर्टिकल 14 का भी वॉयलेशन किया। तो कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, गवर्नमेंट ने वॉयलेशन किया किसका, आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने वॉयलेशन किया आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर कंपनी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है ये बोलकर इस आर्ग्यूमेंट पे कोई पिटिशन फाइल नहीं कर सकते
अनलेस कंपनी के साथ जो हो रहा है उससे शेयर होल्डर्स के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट ना हो रहे हों। अगर कंपनी के साथ कुछ गलत हो रहा है और जिसका इंपैक्ट शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स पे भी आ रहा है, उनके भी फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट हो रहे हैं, तो उस केस में शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर पिटिशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंपनी के बिहाफ पे शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर रिट पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। और ये कहने के साथ साथ इसी के साथ साथ के गोपालन का जो केस था, के गोपालन के केस के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। उस केस में जो कॉन्सेप्ट आया था एक्सक्लूसिविटी वाला कॉन्सेप्ट, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, उस केस में जो कॉन्सेप्ट आया था उस कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया और सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्ट टेस्ट दिया। तो इस केस में इफेक्ट टेस्ट आया और ओवर रूल किया ऑब्जेक्ट टेस्ट को। किसी भी ऑर्डिनेंस का, एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। उसका इफेक्ट अगर ये हो रहा है कि उससे अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, तो उस केस में हम इफेक्ट टेस्ट अप्लाई करेंगे और उस एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट? तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल जो था वो इस केस में आया। 10-1 की मेजोरिटी से ये जजमेंट दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो आई रियली होप कि ये जो मैंने आपको एक स्टोरी बताई है, ये जो अलग अलग प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इससे आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रियल मैटर क्या था, उन्होंने क्यों ये रिट पिटिशन फाइल की थी, गवर्नमेंट के क्या आर्ग्यूमेंट थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या फैसला या जजमेंट दिया था। मैंने कोशिश करी है कि मैं इस वीडियो में इस केस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर पाऊं, लेकिन ये केस इतना बड़ा है और इतने सारे इश्यूज इस केस में इन्वॉल्व है कि एक वीडियो में शायद सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना पॉसिबल ना हो पाए। बट मैंने कोशिश की है कि मैं मेन जो इस केस के पॉइंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको एटलीस्ट मैं एड्रेस कर सकूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।